1950s की टॉप एक्ट्रेस नलिनी जयवंत का जब देहांत हुआ तो लोगों को पता भी नहीं चला। वो इतनी अकेली थी कि उनकी बॉडी को भी कई दिन बाद डिस्कवर किया गया। आज नलिनी जयवंत जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। आजकल की सोशल मीडिया जनरेशन तो शायद इनको याद नहीं रखती, लेकिन नलिनी जयवंत 1950s की एक टॉप एक्ट्रेस थी। इन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म की है, इन्होंने शम्मी साहब के साथ फिल्म की है, प्रेमनाथ जी के साथ फिल्म की है और देवानंद के साथ तो कई सारी फिल्में की हैं। राही, मुनीम जी और एक ऐसी फिल्म जिसके लिए नलिनी जयवंत को उनका इकलौता फिल्म फेयर मिला था, नॉट एज अ बेस्ट एक्ट्रेस लेकिन एज अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, काला पानी। लेकिन नलिनी जयवंत जी की सबसे हिट पेयरिंग एक ऐसे इंसान के साथ रही जिनके साथ उनका रियल लाइफ में भी प्यार था, एक बहुत ही क्लोज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेयर था, दादा मुनि अशोक कुमार। उनके साथ नलिनी जयवंत जी ने संग्राम नाम की फिल्म की थी जिसे सरकार ने बैन कर दिया था, और एक ऐसी फिल्म की थी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म थी जिसे इंडिया के बाहर शूट किया गया था, नाज। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरो की लाइफ तो लंबी होती है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। 50 साल का हीरो 26 साल की लड़की के साथ भी इश्क लड़ा सकता है, लेकिन हीरोइन के साथ ये पॉसिबल नहीं है। उसको जल्द ही भाभी के और माँ के रोल्स दे दिए जाते हैं। 1960s में नलिनी जयवंत जी को भी अच्छे रोल्स मिलने बंद हो गए और 1965 के आसपास उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। एक ब्रीफ कमबैक किया था नलिनी जयवंत जी ने 1980s में अमिताभ बच्चन की माँ बनकर, फिल्म याद है आपको, नास्तिक। फिल्म नास्तिक के इस ब्रीफ कमबैक के बाद नलिनी जयवंत ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को परमानेंट गुड बाय बोल दिया, अपनी दुनिया अपने परिवार और अपने घर तक सीमित कर ली। उनके परिवार में बच्चे तो नहीं थे लेकिन उनके पति प्रभु दयाल थे जिनकी डेथ 2001 में जाके हुई। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद नलिनी जयवंत ने अपनी दुनिया समेट ली, पूरी की पूरी दुनिया उनके घर तक ही सीमित हो गई और उन्होंने लोगों से मिलना टोटली बंद कर दिया, यहां तक कि जो मोहल्ले के लोग थे उनसे तक बात करनी बंद कर दी। नलिनी जयवंत एक्ट्रेस तनुजा की मौसी लगती थी रिश्ते में, लेकिन उनसे भी टच में नहीं थी नलिनी जी। और हालत ये थी कि 2010 में जब नलिनी जयवंत जी की डेथ हुई तो उनकी बॉडी को 3 दिन तक किसी ने छुआ तक नहीं, किसी को पता भी नहीं चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। मोहल्ले वालों को तब पता चला जब 3 दिन बाद एक एम्बुलेंस आई और नलिनी जी की बॉडी को लेकर गई। नलिनी जी के कुछ पेट डॉग्स थे जो सड़कों पर आ गए और उनका ध्यान मोहल्ले वालों ने रखना शुरू। ये हालत हुई नलिनी जयवंत जी के आखिरी दिनों में। मुझे नलिनी जयवंत बहुत ज्यादा पसंद है और उसका कारण यह है कि वो अपने वक्त से बहुत आगे थी। इमेजिन करिए 1950s में नलिनी जयवंत ने फिल्मों में स्विम सूट पहना था। अगर इसके बारे में ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। टेक केयर। Yeah.